मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ ये आपका चैप्टर चल रहा था जियोग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसका सेकेंड लास्ट वीडियो है इसके बाद एक वीडियो और आएगा उसके बाद आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा जिसमें से ही क्वेश्चन आपके आते हैं ये आपके कंप्लीट नोट तैयार हो गए हैं चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के और इससे बाहर आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल की द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट देखिए अर्थ की तीन लेयर होती है आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल कोर और अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की विच इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट जो प्लांट के ग्रोथ के लिए यूजफुल होती है उसे क्या कहते हैं सॉइल कहते हैं फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी के बनने के लिए तो आइए बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स के फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर फर्स्ट टेन्योर टेक्स्चर आएगा ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक बच्चे ने गलत लिख दिया है ये मेरे कोचिंग के ही नोट्स हैं तो ये बच्चे ने गलत यहाँ पे आएगा टेक्स्चर आएगा आप इसे सही कर लें टेक्स्चर कलर थिकनेस एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए किसी भी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए ये पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट है टेक्सचर मिट्टी उसकी सॉइल की बनावट कैसी है कलर कैसा है थिकनेस क्योंकि आपको पता है कि छोटी रेड डेजर्ट की जो सॉइल होती है रेस से लेकर और बजरी जो होती है वो सब मिट्टी के ही पार्ट है बस उनकी थिकनेस में डिफरेंस है एज कितने साल पुरानी मिट्टी है एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ये फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है यानी कि सॉइल इन चीज़ों से मिलकर बनती है अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया आर द फॉलोइंग देखिए इंडिया की अगर बात करें तो मेनली सिक्स टाइप की सॉइल्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो एलिवियल सॉइल आप जानते हैं एलिवियल सॉइल टू टाइप्स की होती है खादर एंड बांगर नंबर सेकेंड ब्लैक सॉइल नंबर थर्ड लेटराइड सॉइल नंबर फोर्थ फॉरेस्ट सॉइल नंबर फिफ्थ एरिड सॉइल एंड नंबर सिक्स पे रेड एंड येलो सॉइल अभी मैं आपको देखिए इसमें से अगर कोई वेरी शॉर्ट बनता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा जैसे ब्लैक सॉइल के बारे में आपको पता है कि ब्लैक सॉइल किसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम बार बार पढ़ते हैं बार बार आपने पढ़ा भी आपको आता भी होगा कॉटन कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ब्लैक सॉइल तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट आते हैं तो वन बाई वन बात कर लेते हैं सॉइल्स की एलुवियल सॉइल देखिए सबसे पहले बात करें एलिवियल सॉइल की जिसे हम हिंदी में उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं एलिवियल सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया भारत की सबसे ज़्यादा भाग में फैली और इंपॉर्टेंट सॉइल है एलिवियल सॉइल इट इज़ स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थन प्लेन सबसे ज़्यादा ये नॉर्थन प्लेन में फैली हुई है और एग्जाम्पल की बात करें तो पंजाब टू ब्रह्मपुत्र वैली यानी पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली जो आसाम के अंदर है वहां तक पूरा ही एलिवियल साइल का पार्ट है मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिकुएट प्रपोर्शन ऑफ पोटासडिक्यूट का मतलब होता है पर्याप्त देखिए इस सॉइल में एल्यूएल सॉइल में पर्याप्त मात्रा के अंदर पोटास फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है द एल्यूल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है एलुवियल सॉइल टू टाइप्स की होती है खादर एंड बांगर और ये देखिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रखा है यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है सीधे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें खादर और बांगर में डिफरेंस क्या है कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ईजिली हमें लर्न होगा फर्स्ट पॉइंट देखिए इट इज न्यू एल्युवियल्स ऑयल जो खादर है वो न्यू एलुवियल्स ऑयल है खादर अगर न्यू एलुवियल सॉइल है तो बांगर क्या हो जाएगी ओल्ड एल्यूवियल सोइल हो जाएगी खादर इट इज ए न्यू एल्यूवियल सॉइल बांगर इट इज ओल्ड एल्यूएल सॉइल सेकेंड इट इज़ फाउंड इन लो एरियाज ऑफ द वैलीज विच आर फ्लडेड एवरी ईयर खादर जो है वो मिट्टी सॉइल वो उस एरिया में पाई जाती है लो लेवल यानी नीचे का एरिया जहाँ पर हर साल क्या आती है फ्लड आती है लो एरिया में पाई जाती है अगर हम बांगर की बात करें तो इट इज़ फाउंड हायर देखिए यहाँ लो था कंपैरिजन करेंगे यहाँ हायर रीचेज अबाउट थर्टी मीटर अबाव ये ज़्यादा ऊंचाई पे पाई जाती है जिसके कारण हर साल यहाँ बाढ़ नहीं आती पॉइंट नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं इन टेक्स्चर देखिए दिस सॉइल या सॉइल आएगा आप राइट कर ले यहां पर ये यह रॉन्ग है सॉइल आएगा यहां पर ये यह मैं सॉइल लिख देता हूं दिस सॉइल इज फाइन इन टेक्स्चर ये सॉइल यानी कि जो खादर है वो टेक्सचर में बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है दिस साइल कॉर्ज इन टेक्स्चर और जो बांगर है वो भी अच्छी होती है पर खादर के कंपैरिजन में नहीं होती दिस साइल इज मोर फर्टाइल खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है एंड बांगर दिस इज लेस फर्टाइल जो बांगर है वो क्या है वो कम फर्टाइल है तो ये था डिफरेंस था आपका तो बहुत इजी डिफरेंस है अब देखिए एक्चुअली होता है क्या है मैं आपको बता देता हूँ खादर जो होता है वो लो लेवल एरिया होता है यानी कि वो एरिया जो लो लेवल पे है तो फ्लड का पानी आसानी से वहाँ पहुँच जाता है तो हर साल फ्लड आती है तो हर साल वहाँ पे फ्लड अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है वो डिपॉजिट वहाँ पे रेगुल होता है तो उसके कारण वो उसे न्यू एलिवियल सॉइल बोला जाता है जो बांगर वाला एरिया है वो हाई एलिवेशन पे ऊँचाई पर है तो हर साल फ्लड वहाँ नहीं पहुँच पाती जिसके कारण दस साल पहले फ्लड आई थी तो वहाँ दस साल पहले की मिट्टी है इसीलिए इसे ओल्ड एलिवियल सॉइल कहा जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की नंबर सेकेंड सॉइल हमारी ब्लैक सॉइल है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है ब्लैक सॉइल आर ब्लैक इन कलर ब्लैक सॉइल कलर में ब्लैक होती है एंड और ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट कि ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल कहा जाता है ब्लैक सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र गुजरात ब्रैकेट में लिखा हुआ है सौराष्ट्र क्योंकि गुजरात के पार्ट को पहले सौराष्ट्रा कहते थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गोदावरी एंड कृष्णा वैली एरियाज़ ज़्यादातर जो ब्लैक सॉइल है वो महाराष्ट्र है गुजरात है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गोदावरी और कृष्णा वैली एरियाज में पाई जाती है दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाई वैदरिंग ऑफ वॉल्कैन और रॉक फॉर्मेशन बाई डेकन लावा देखिए डैकन प्लेटू एरिया में जो इरप्शन हुआ था उससे ये जो है जो पठार पहाड़ बने हैं उससे कहा जाता है कि ब्लैक सॉइल बनी है अब नॉट में एक इम्पॉर्टेंट है और इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल अगर कोई सॉइल है तो वो ब्लैक सॉइल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वेरी शॉर्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर थर्ड हम बात कर लेते हैं लेट्राइट सॉइल right की तो यहाँ हम बात करें नंबर थर्ड लेटराइट सॉइल लेटराइट सोयल आर कॉमनली फाउंड इन दिलली एरिया ज्यादातर लेटराइट सॉइल हीली एरियाज में पाई जाती है सच सॉइल आर फाउंड इन कर्नाटका केरला तमिलनाडु मध्य प्रदेश उड़ीसा आसाम ज़्यादातर जो लेटराइट सॉइल है वो कर्नाटका में केरला में तमिलनाडु में मध्य प्रदेश में और उड़ीसा और असम में पाई जाती है दिस सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर ये सॉइल नेचर में एसिडिक होती है ड्यू टू लैक नाइट्रोजन पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की कमी होती है इड सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन लेट्राइट सॉइल कल्टिवेशन के लिए इतनी ज्यादा सुटेबल नहीं है बट लेकिन वैन दॉइल्स आर मैन्योर्ड लेकिन अगर लेटराइट सॉइल में मेन्योर किया जाए उसे उसमें खाद वगैरह मिलाई जाए एंड इरीगेटेड और अगर इसमें इरिगेशन की फैसिलिटी अगर अच्छी दी जाए लेटराइट सॉइल में सम क्रॉप लेकिन तो कुछ क्रॉप्स है जो लेट्राइट सॉइल में उगाई जा सकती है जैसे टी कॉफ़ी कैन बी कल्टिवेटेड वेरी वेल जैसे चाय या कॉफ़ी लैटाइट सॉइल में अच्छी तरह उगाई जा सकती है नेक्स्ट हम बात कर लें नंबर फोर्थ फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड ऑन द हिली एरियाज आपको पता है फॉरेस्ट वाले हिली एरियाज में ही फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है दी सॉइल आर वेरी रिच इन ह्यूमस इस सॉइल में ह्यूमस की कोई कमी नहीं होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है बट आर डेफिशियंट इन पोटास फॉस्फोरस एंड लाइम लेकिन पोटास फॉस्फोरस और लाइम जो है उसकी इसमें कमी होती है इसीलिए स्पेशली ये भी प्लांटेशन जो क्रॉप्स है जैसे टी है कॉफ़ी है फ्रूट्स उसके लिए ये सूटेबल है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर फिफ्थ पे एरिड सॉइल एरिड सॉइल इज़ फाउंड इन राजस्थान पंजाब हरियाणा ज़्यादातर एरिड सॉइल जो है वो राजस्थान पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है दीज सॉइल आर फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर ये सॉइल आपको लाल से लेकर ब्राउन कलर तक देखने को मिलेगी दिस सॉइल कंटेन लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम पाया जाता है ड्यू टू क्लाइमेट एंड एबसेंस ऑफ वेजिटेशन क्यों क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा होता है इन एरियाज में और वेजिटेशन की कमी होती है और लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका है रेड एंड येल्लो सॉइल रेड एंड येल्लो सॉइल दीज आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा छत्तीसगढ़ गंगा प्लेन एरिया एंड वेस्टर्न घाट्स ज़्यादातर रेड एंड येलो सॉइल जो है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ गंगा प्लेन एरिया और वेस्टर्न घाट के आसपास पाई जाती है और इसमें जो क्रॉप्स लगती है उसमें वीट राइस कॉटन पल्सिस आर ग्रोन इन दिस सॉइल ज़्यादातर रेड एंड येलो सॉइल में वीट है राइस है कॉटन है और पल्सीज जो है वो ईज़िली अच्छी तरह से उगती है तो ये हमारा टॉपिक था सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सॉइल इरोजन और उसके साथ आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू